संतोष सहज समाधि भली, गुरु प्रताप जा दिन से प्रगटो सुरति न अंत चली। जहाँ जहाँ डोलो सो परिक्रमा, जो कुछ करो सो पूजा। जब सो तब करो दंडवत भाव मिटाओ दूजा। आँख न मूदो कान न रूदो, काया कष्ट न धारो। खुले नयन हंसी हंसी पहचानो, सुंदर रूप निहारो। शबद निरंतर से मन लागा, मलिन वासना त्यागी। उठत बैठत कबहु न छूटे, ऐसी तारी लागी। कहत कबीर सहज यह रहनी, सो प्रगट करि गाई। सुख दुख से कोई परे परम पद, सो पद है सुखदाई। ये जगत प्रसिद्ध साहब का शब्द है, संतोष सहज समाधि भले। समाधि के दो प्रकार हैं, एक निर्विकल्प एक सविकल्प। योग दर्शन का निर्विकल्प सविकल्प दूसरे ढंग का है, लेकिन पारक सिद्धांत का, वेदांत का, सांख्य का ये सब सहज वर्णन करते हैं। जब तक विचार उठते हैं और वह बीज रहित रहते हैं, आसक्ति रहित रहते हैं, मोह रहित रहते हैं, सविकल्प समाधि। और जब संकल्प नहीं उठता है तो निर्विकल्प समाधि, जिसके मन का मोह बिल्कुल मिट गया है। जब अभ्यास में रहता है तो संकल्प शांत रहते हैं, व्यवहार में रहता है संकल्प रहते हैं, लेकिन वे दग्ध बीज रहते हैं, उनमें राग नहीं रहता। उसी सहज समाधि का वर्णन इस शब्द में है। यहाँ संकल्पों को त्याग करके बैठने वाली दशा का वर्णन नहीं है, इसमें वो वर्णन है कि जब आप खाते पीते उठते बैठते चलते फिरते काम धंधा करते रहते हैं, लेकिन निर्मोह रहते हैं, अनासक्त रहते हैं, अपनी दशा में रहते हैं। पंचकोशों रूपी पिजड़े में ये आत्मा बंद है, इससे अपने आप के जिसने विवरण कर लिया है, अलग कर लिया है, और उसी भाव में असंग भाव में रहता है, वो सब समय मुक्त है। आप लोगों ने सुना होगा, बहुत लोग विवरण से जानते भी होंगे, अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश, आनंदमय कोश, ये पांच कोश हैं। म्यान तलवार रखने की जैसे म्यान होती कोश, वैसे आत्मा पर ये पांच आवरण हैं। अन्नमय कोश जो अन्न से पैदा होता है, अन्न खा करके सुरक्षित रहता है, ये हाड़ चाम मांस रक्त मेद मज्जा नस चर्म से परिपूर्ण स्थूल शरीर अन्नमय कोश है। यह मैं नहीं हूँ, ये गंदा शरीर में कैसे हो सकता हूँ, मैं तो शुद्ध निर्मल हूँ। ये बदलता रहता है, मैं बदलता नहीं हूँ। हाथ कट जाए तो भी मैं रहता हूँ। किसी किसी के दोनों पैर कट जाते हैं तो भी वो है।
ये अंगों का जोड़ स्थूल अंशों का जोड़ अन्नमय कोष शरीर यह मैं नहीं हूं। दूसरा है प्राणमय कोष, शरीर में जितना हवा का अंश है, पांच पिंड और पांच ब्रह्मांड, ब्रह्मांड ने खोपड़ी किरकिल धनंजय देवदत्त नागकूर्म प्राणपान समान व्यानुदान, ये पिंड के बीजक व्याख्या में सब का विवरण है और पंचग्रंथि में साज रूप में समझे। शरीर में हवा का जितना अंश है वो प्राणमय कोष है, वो वायु विकार है, वो मैं नहीं हूँ, मैं प्राण नहीं हूँ। प्राण का संयमन करने वाला, प्राणायाम द्वारा प्राण को रोक लेने वाला, मैं प्राण कैसे हो सकता हूँ? प्राण कुछ भी नहीं जानता है। गांधी दीद में प्राण खूब जोर से चलता है, पास कोई आकर के बैठ जाए, कोई चीज उठा ले जाए, प्राण कुछ नहीं जानेगा। प्राण अचेतन है, प्राण और आत्मा को एक नहीं समझना चाहिए। प्राण हवा का विकार है, वायु का विकार है। ये दूसरा कोष अन्नमय से सूक्ष्म है और ये आत्मा का आवरण है। मनुष्य भ्रम पर समझ लेता है कि मैं प्राण हूँ। तीसरा कोष है मनोमय, जो कुछ हम देखते सुनते भोगते हैं उसकी छाप अंतःकरण पर पड़ती है और उन्हीं सब की याद होती है, तो लगता है मैं वही वही हूँ। तादात्मता होती रहती, एकता होती रहती, उसी में अस्मिता होती रहती है, चिपकते रहते हैं स्मरणों के प्रवाह में, चिपकते रहते हैं। मैं मन नहीं हूँ, स्मरण नहीं हूँ। मन तो विकारी है, परिवर्तनशील है, मैं अपरिवर्तनशील हूँ, मैं निर्विकारी हूँ। मन प्रबल है और प्रबलता हमारे मोह के कारण है, किसी दूसरे का दोष नहीं है। भगवान ने माया डाल दी, लोग कहते हैं, वे सही नहीं समझते हैं। किसी ने माया हमारे ऊपर नहीं डाल दी है, हमने अपने ऊपर स्वयं माया डाली है। माया क्या है? मन का मोह, हमने मोह बनाया है। जहाँ जहाँ मोह बनाया है वही वही विवश कर रहा है, जहाँ मोह नहीं है कोई व्यवस्था नहीं। एक आदमी 50 वर्षों से गांजा पीता था, गांजा के बिना उसका चलता नहीं था, किसी कारण से उसने गांजा का त्याग कर दिया और त्याग करते करते स्थूल से लेके सूक्ष्म तक त्याग हो गया। अब उसके अंदर में गांजा पीने की थोड़ी रुचि नहीं है, गांजा की गंध हो तो भी उसको बुरा लगता है। ऐसे आदमी की आसक्ति गांजा की वर्तमान की छुट्टी, तो क्या 50 वर्ष पूर्व की जो आसक्ति वो बच गई है? 50 वर्ष से वो पीता रहा, आज गांजा की आसक्ति छूट गई, पूरी छूट गई, तो आज की छूट गई, 2006 की छूट गई, और पहले से जो पीता रहा 1965-66 से, तो बना होगा, उसकी आसक्ति बनी होगी। ऐसा नहीं, आज का मिट गया तो पूर्व पूर्व का जहाँ से वो पीता रहा सब मिट गया।
और इतना ही नहीं, आज जिसकी देहासक्ति मिट गई, अनादिकाल की आसक्ति मिट गई और वर्तमान में आसक्ति बनी है, तो पूर्व पूर्व की आसक्ति मजबूत रहेगी। मनुष्य वर्तमान में ठीक कर ले बस, पहले उसने क्या किया था इसकी चिंता भी मत करे, आज वो क्या कर रहा है। पहले बहुत अच्छा करता था लेकिन आज गड़बड़ हो गया तो सब उसका गड़बड़ हो गया, और पहले बहुत खराब था आज ठीक हो गया, बस सब ठीक हो गया। बड़ा से बड़ा पाप, चोरी, हत्या, व्यभिचार, डाकाजनी और जितने कुकर्म हो सकते हैं, कोई भी कुकर्म हो, वर्तमान में सारा कुकर्म छोड़ दे और उसके लिए ग्लान कर ले, मन उससे बिल्कुल अनासक्त हो जाए, सब बंधन कट गया। इसलिए किसी को ये न सोचना चाहिए कि आज का मोह मिट जाएगा तो पहले वाला बचा रहेगा। पहले वाला मोह आज के मोह से ही पल्लवित होता है। इसलिए मानव शरीर में सुधार के लिए पूरा समय, मनुष्य के जीवन का उद्देश्य वह होता है जो इसी देश और इसी काल में पूर्ण हो, जो दूसरे देश और दूसरे काल में पूर्ण हो वो मनुष्य के जीवन का उद्देश्य नहीं। स्वतंत्र मानव जीवन और इसके उद्देश्य की पूर्ति अगले जन्म में होगी, आज होगी, अगले जन्म की कोई जरूरत नहीं। आज अपने आप को हम बिल्कुल ठीक कर सकते हैं, बिल्कुल मुक्त कर सकते हैं। सारा बंधन मन का रचा है और मन हमारे अविद्या से रचा है। हमारे मन की विद्या मिट गई, मन सरल हो जाएगा। मन काम की चीज है, मन रहेगा जीवन भर लेकिन वो सेवक बन के रहेगा, मुक्ति में सहयोगी बन के रहेगा। लालच छोड़ दो, सारा दुख लालच है। ये दुनिया की विकारी चीजों का लालच करके कोई मुक्ति पाएगा? खाने पीने की लालच, कपड़े लत्ते की लालच, रुपए पैसे की लालच, मान बढ़ाई की लालच, पद प्रभुता की लालच, दुनिया की किसी वस्तु की लालच रख करके मुक्ति नहीं मिलेगी। मुक्ति ऐसी चीज है सबका छोड़े हो, सब कुछ का लालच जब छूट गया बस कृतार्थ है। ये मनोमय कोष बड़ा प्रबल है, प्राण में उतना प्रबल नहीं है। प्राण में तो सरल है, बड़ा सरल है, चाहता कुछ नहीं और बड़ा निरस, बड़ा रूखा फीका, बड़ा विरागी है प्राण। आंखें तो रूप चाहती हैं, कान शब्द चाहते हैं अनुकूल, नाक गंध चाहती, चाम अनुकूल स्पर्श चाहता है, जीव अनुकूल रस चाहती है, प्राण कुछ नहीं चाहता। और ये सब इंद्रियां तो विश्राम करती हैं समय समय से, मन तक विश्राम करता है गाढ़ी नींद में, प्राण कभी विश्राम नहीं करता। प्राण विश्राम करे तो बस सब समाप्त। तो प्राण में कोई झंझट नहीं, मन में झंझट है। ये मनोमय कोष, प्राण को केवल समझ लेना है कि प्राण में कोष में नहीं हूँ, यानी प्राण का समुच्चय वायु विकार शरीर में जो है वो मैं नहीं हूँ। मनोमय मन भी मैं नहीं हूँ, जो याद होती है वो मैं नहीं हूँ। अब आदमी विवेक नहीं है, जो याद होता है वही अपने को अपना स्वरूप मानता है, जो जो याद होता है उसी में चिपक जाता है और दुख भोगता रहता है। मनोमय कोष तीसरा है जो प्राणमय से भी सूक्ष्म है,
वह मैं नहीं हूँ। चौथा है विज्ञानमय कोष, बुद्धिकोष, विज्ञानमय कोष, बुद्धिकोष, जो आत्मा के अधिक निकट है, ज़्यादा प्रकाश स्वरूप है, समझ प्रज्ञा उसी से होती है, ज्ञान का आलोक, वह भी मैं नहीं हूँ। मैं ज्ञान मात्र हूँ, शुद्ध चेतन मात्र हूँ, जो ज्ञान का प्रकाश फैलता है और सारी चीज़ों का अनुभव करता हूँ, वो सब मैं नहीं हूँ। ये विज्ञानमय कोष, बुद्धि विलास, ये भी मैं नहीं हूँ। पांचवा आनंदमय कोष, अनुकूल वस्तुओं के मिलने पर हर्ष होता है, अनुकूल प्राणी, अनुकूल पदार्थ, अनुकूल परिस्थिति आने पर हर्ष होता है, ये आनंदमय कोष है, ये भी मैं नहीं हूँ। जो कुछ मिलता है छूट जाता है, यानी अस्थूल हाण चाम के शरीर में अपनी एकता मत करो। अन्नमय कोष ये स्थूल शरीर है, इसमें अपनी एकता न करो। प्राणमय कोष वायविकार में अपनी एकता न करो कि मैं प्राण हूँ। जो जो संकल्प विकल्प उठे, उन संकल्प विकल्प में मनोमय को अपना कोष मत समझो, अपना स्वरूप मत समझो। विज्ञानमय कोष बुद्धि प्रकाश, वो भी आपका स्वरूप नहीं है। जो जान जान करके व्यवहार आप करते हैं, बुद्धि विलास करते हैं, वो आपका स्वरूप नहीं है। कुछ न जानना, अपने आप में टिक जाना, वृत्ति रहित स्थित, वो आपका स्वरूप है। और जो अहम भाव आता है, आनंदमय कोष, वो भी आपका स्वरूप नहीं। अनुकूल कब तक मिलेगा? अनुकूल मिलता फिर प्रतिकूल हो जाता है, तब भय होता है, ये सब कुछ नहीं हो तब मैं क्या हूँ? फिर मैं खो गया क्या? मैं कैसे खो जाऊँगा? आई थिंक देरपोर आई एम, ये डेकार्ट का वचन है, जो 17वीं शताब्दी में यूरोप में दार्शनिक हुआ था। इसके इस वाक की प्रतिक्रिया बहुत हुई, भौतिकवादियों ने इसका खंडन किया, आत्मवादियों ने इसको बड़ा महत्व दिया। यूरोप में डेकार्ट के वचनों पर काफ़ी क्रिया प्रतिक्रिया हुई। उसने कहा कि सब पर संशय हो सकता है, मैं पर नहीं, क्योंकि संशय एक विचार है और विचारवान के हुए बिना विचार कौन करेगा? मैं विचारवान हूँ, विचार करने वाला हूँ, मैं हूँ, आई थिंक देयरफॉर आई एम, मैं सोचता हूँ इसलिए मैं हूँ। सोचने वाला ही ना हो ये कैसे होगा? ईश्वर है कि नहीं, इसमें दो विचार होंगे। बहुत सारी बातों में दो विचार उठ सकते हैं, लेकिन मैं हूँ कि नहीं, इसमें दो विचार कहाँ हैं? मैं तो हूँ ही। जो मैं है, शुद्ध चेतन मात्र है, अस्तित्व मात्र है, ये विकार नहीं, स्थूल शरीर, प्राण, मन, बुद्धि, हर्ष, ये सब प्रकृति के विकार हैं। मैं शुद्ध चेतन मात्र हूँ, निर्विकार, निर्मल। जानना जनाना, जगत प्रपंच सामने होना, फिर इसी में तादात्मता, इसी में राग और क्लेश, यही सब तो होता है। जान जान के क्या पाते हो? जब से जन्मे हो, बहुत कुछ जाने हो, देखे हो, सुने हो, भोगे हो, उसके फल में क्या पाए हो? दुख के अलावा कुछ नहीं पाए हो। खिन्नता, असंतोष, पीड़ा, अवसाद, बंधन,
सदैव असंतोष असंतोष असंतोष, बड़ी उपलब्धि बड़ी उपलब्धि। उच्च आध्यात्मिक दृष्टि से देखा जाए सारी उपलब्धियां केवल कांटे बन करके चुभती है। अपने आप को सबसे अलग कर लो, मुझ में से सींक निकाल लिया जाता है, इमली की छीमी में से बीज निकाल लिया जाता साफ, इमली की छीमी हो आप उसको देखिए पक गई हो, छिलका तोड़िए तो बीज उसमें ऐसे धरा रहता है कि मालूम होता अलग से इसको बना करके इसमें पैक कर दिया गया है, एकदम बढ़िया साफ। उसको चिया कहते हैं। अवध क्षेत्र में लोग विनोद करते हैं, किसी को देखते हैं बहुत साफ सुथरा और थोड़ा खुश खुश, तो लोग कहते भैया तुम तो चिया से घूमते हो, मुझे ईर्ष्या होती है तुम्हारे ऊपर, तुम तो चिया से घूमते हो। चिया बिल्कुल निर्मल चारों तरफ से, वो इमली की छीमी में रहता है, उसे निर्माण उसका होता है, लेकिन बिल्कुल साफ सुथरा। आत्मा शुद्ध बुद्ध निर्मल है, ऐसे मूझ में सीख, मूझ जो घास बड़ी बड़ी होती है उत्तर प्रदेश में तो मूझ खूब होती है, सीख उसमें छड़ी लंबी सी ऊपर पकड़ लो, जरा सा इशारा करो साफ निकल आती। अपने आप को इन पांचों कोषों में से निकाल लो विवेक द्वारा। देह और आत्मा की गहरी भिन्नता का बोध निरंतर जिसको रहता है उसे हर शोक क्या है। आत्मानं चेद विजानीयात् अयमस्मीत पुरुषः किमिच्छन् कस्य कामाय शरीर मन संजरेत। जिसने ये समझ लिया ये आत्मा ही परम पुरुष है, वो किस इच्छा से किस कामना से शरीर के पीछे चल करके ये जन्म मरण का बुखार चढ़ाए रखेगा, क्या मिलता है, नया आपने क्या किया है, सोचो। काम में उन्मादी हुए जो अनाद काल से होते आए हो, काम का अनुभव आज का नहीं सदा का है, वही मलिनता उसी में चार चांद लगा रहे हो, वार पार कर रहे हो, अपने मन के प्रतिकूल न सह करके क्रोध में भभके कट कहे झंझनाए अपना रक्त खराब किए बुद्धि खराब किए, ये नया अनुभव है पुराना है। मोह किए जहाँ अनुकूल मिला प्रतिकूल मिला, वैर किए ईर्ष्या किए चिंता किए विकलता किए भोगों का लालच किए बिलबिलाते रहे खिन्न होते रहे, मन के अनुसार नहीं हो रहा है, साथी लोग मन के अनुसार नहीं कर रहे हैं, जो जो लोग मिलते हैं प्रतिकूल हो जाते हैं, यही सब किलबिलाते रहे दिमाग में और क्या किए, यही आज भी कर रहे हो, क्या नया कर रहे हो। अपने में नवीनता देखो, क्या कर रहे हो, देह तुम हो यही सड़ा गला मांस का लौंदा हड्डी की झोपड़ी कूड़ा कचड़ा मुर्दा, इसको अपना स्वरूप मानते रहे हो, आज मान रहे हो, क्या नया कर रहे हो। नया है मैं देह नहीं शुद्ध चेतन हूँ, नया है काम वासना की अब कोई जरूरत नहीं, कूड़ा कचड़ा दुखदाई काम शत्रु है। स्मरण भी आए त्याग दो।
क्रोध किस पर, कौन अपना है जो विपरीत हो गया, सब स्वतंत्र जीव हैं, जिनकी जैसी रुचि है कहते हैं सुनते हैं करते हैं, क्रोध करने की क्या जरूरत है, किसी पर अपना दखल नहीं है। छोटा मानते हो, उन पर अपना कब्जा जमाना चाहते हो, कब्जा जमाने की आदत तो पुरानी है, ये नई नहीं, नई है किसी पर कब्जा न जमाना। मैं स्वयं सबसे पीछे और नीचे हूँ, जितना मनोविकार है उनको धो देना, ये नई बात है। चिंता न करना नई बात है, चिंता करना तो पुरानी बात है, रोना तो पुरानी बात है, रो रहे हो सदा से, शिकायत 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 शिकायत, रोना, एक रोना होता है आदमी सुबह के रोता है, चिल्ला के रोता है, और ऐसे भी मंथर गत से रोता है, आवाज़ कुछ नहीं आती है, आंसू गिरते हैं, और एक रोना होता है शिकायत, जो सब में व्याप्त है, जो अपने को शिकायत से निकाल ले वो नया आदमी है। शिकायत न करना जीवन में नवीनता, किसी की शिकायत नहीं, सब ठीक। इसका मतलब नहीं है कि आपके घर परिवार समाज में कोई गलत करे तो उनको समझाएं ना, समझाना जरूरी है, सुधारना जरूरी है, नहीं सुधारना चाहता है तो उससे अलग होना जरूरी है, ये सब व्यवहार तो करना पड़ेगा। लेकिन शिकायत करने की जो आदत हरदम बनी है बहुत गंदी आदत है। नई बात क्या है, नई बात है निर्मल मन का हो जाना। आज तक गंदे मन के रहे हैं, गंदगी क्या है समझ में आ जाएगी साधना करोगे जब। जितनी गंदगी समझ में आ जाए उतना छोड़ दो तो सूक्ष्म गंदगी जो अगली है वो अपने आप समझ में आ जाएगी। मन की सारी गंदगी छूट गई, ये नया जीवन है। संस्कार द्विजुच्यते, ये संस्कार है। ऐसे जीवन में रमना सहज समाधि, संतोष सहज समाधि भली, गुर प्रताप जा दिन से प्रगटो सुरति ना अंत चली, गुरु की कृपा जब से हुई मेरे ऊपर मेरी सुरति अलग नहीं गई। अलग तो जाती है, कहीं भी जाती है, लेकिन जब मोह मिट जाता है तो उस ढंग से नहीं जाता है मन। टट्टी पेशाब की भी याद हो जाती है तो क्या उसमें कोई आकर्षण होता है, कोई आकर्षण नहीं होता है। सांप बिच्छू की याद हो जाती है, शत्रु की याद हो जाती है, लेकिन उसमें आकर्षण नहीं होता है। हाँ, मन में शत्रुत्व है तो शत्रु की याद होने पर मन में द्वेष क्रोध ये आएगा, वो भी बंधन है। स्मरण आ जाए कोई बुरा नहीं, चिपकाहट खत्म हो जाने पर बंधन खत्म हो जाता है। सुरति नांत चली, गुरु की कृपा जब से हुई, गुरु का ज्ञान में, गुरु की कृपा होना क्या है, बोध पाना, गुरु बोध देता है, एक एक बात बताता है, समझ में आ जाता है, तब घृणा हो जाती है भोगों से, तब मन उसमें नहीं जाता है। सुरति ना अंत चली। कबीर साहब से लोग कहे आप परिक्रमा नहीं करते हैं, दंडवत नहीं करते हैं, साहब कहते हैं जहाँ जहाँ डोलो सो परिक्रमा, मैं जितना चलता हूँ सब मानो परिक्रमा करता हूँ, और जो कुछ करो सो पूजा। लोग कहे आप पूजा नहीं करते हैं,
साहब कहते मैं जो करता हूँ सब पूजा करता हूँ, कपड़ा बुनता हूँ पूजा करता हूँ, धान काटता हूँ पूजा करता हूँ, दफ्तर में काम करता हूँ पूजा करता हूँ, टट्टी फेंकता हूँ पूजा करता हूँ, ये असली पूजा है। अलग बैठ करके जो पूजा की जाती है उसका खंडन नहीं है, लेकिन असली पूजा तो है जहाँ जिसकी ड्यूटी है उसको ठीक से करें, दिलोजान से करें, समर्पित होकर के सेवा करना चाहिए। लेकिन सेवा का पागलपन कि हम सेवा करते हैं और अलग न बैठ पाते हैं, न ध्यान कर पाते हैं, न अध्ययन कर पाते हैं, न सत्संग में मन दे पाते हैं, सेवा का पागलपन सवार है। सेवा की ज़रूरत है, लेकिन उसे सेवा नहीं कहते हैं जो अपने आप को हरदम चरखा बनाए रहे काम धंधा में और अध्ययन ध्यान चिंतन का काम न करे। सेवा करो, सेवा पूजा है, जो कुछ करो सो पूजा, लेकिन अलग बैठ करके अध्ययन ध्यान चिंतन भी करो। जब सो तब करो दंडवत। साहब कहते जब मैं सोता हूँ दंडवत करता हूँ, डंडे के समान पड़ गए, भाव मिटाऊँ दूजा। असली बात है दूजा भाव मिटाता हूँ, द्वैत भाव मिटाता हूँ, बाहर का आकर्षण खत्म करता हूँ। अगर कहीं कुछ मन में जगह है बाहर की चीज़ों के लिए तो उसको बीन बीन करके ख़त्म करता हूँ। बाकी राख न ठौर ठिकाना समझ करो जी चेत। श्री विशाल साहब ने कहा ठौर ठिकाना बाकी न रखो बंधन का कहीं, जग जाओ अपने में, सारे जड़ दृश्य में कहीं भी ममता न बनाओ, ये कूड़ा कबाड़ मन में किलबिलाता न रहे, आत्मा में विश्राम पाओ, आत्मा में एकाग्र हो जाओ, ऐसा जीवन जियो। ये नहीं कि खाट पर पड़े तब भी बस मकान दुकान राग द्वेष हानि लाभ उसके कीड़े किलबिला रहे हैं चित्त में, तो बेकार हुआ। आत्मलीन हो जाओ, व्यवहार का काम कर लो, अपने आप में लौट आओ, चुपचाप चित्त विश्राम पा जाए। साधना करने से हो जाएगा, काम भी करेंगे और ध्यान भी करेंगे। हंसबा खेलिबा धरिबा ध्यान, गोरखनाथ महाराज ने कहा है हंसबा खेलिबा धरिबा ध्यान। आज भी गोरखपुरी भाषा जो ग्रामीण भाषा ऐसे हंसेंगे खेलेंगे ध्यान धारण करेंगे। निर्मोह चित्त सब समय ध्यानस्थ है, जिसका कहीं आकर्षण नहीं होता है सब समय मुक्त है। जब सो तब करो दंडवत भाव मिटाओ दूजा, आँख न मूदो कान न रूदो काया कष्ट न धारो। ये वज्रासन लगाने का निहान निषेध है। वैसे ध्यान के समय आँख बंद करना अच्छा है, लेकिन वज्रासन लगाते हैं लोग तो आँख को बंद करते हैं, कान को बंद करते हैं, नाक को बंद करते हैं, टट्टी पेशाब की जगह को पैर के गुल्फ और एड़ी से बंद करते हैं। साहब कहते हैं वज्रासन की ज़रूरत नहीं, खुले नयन हंसी हंसी पहचानो सुंदर रूप निहारो। खुले नेत्रों से हंस हंस के पहचान रहा हूँ सब मेरे प्रभु हैं, सब मेरे परमात्मा, प्राण मात्र को परमात्मा समझता हूँ। ये खुले नयन जो पहचानना है ये सगुण उपासना है।
कभी निर्गुण उपासक थे, सगुण नहीं मानते थे। ये कथन भी एक मर्यादा तक है। सगुण उपासक लोग मानते हैं कि एक लोक है, वहाँ परमात्मा देहधारी है, सुंदर गद्दी पर वो बैठा रहता है और परमात्मा का भक्त उसके लोक में जाके निवास पाता है। और जो ज़्यादा परमात्मा से प्रेम करता है तो उसके निकट निवास पाता है, और ज़्यादा प्रेम करता है तो उसकी शक्ल का हो जाता है, और ज़्यादा प्रेम करता है तो उसी में डूब जाता है। सालोक सामीप सारूप सायुज, चार प्रकार की मुक्तियाँ। तो ये साहब नहीं मानते हैं, ये लड़कों खिलौना, इस सगुण उपासना को नहीं मानते हैं। सगुण उपासना की अपनी मर्यादा है। जीवन में पहली साधना में सगुण साधना ही होती है। वीतराग विषयम अचित्तम, पतंजल महाराज ने केवल स्वरूप स्थित की बात कही है। तदा दृष्टु स्वरूपे अवस्थानम, तदा तब दृष्टु दृष्टा की स्वरूपे अपने रूप में अवस्थानम स्थित हो जाती है। संकल्प शांत हुआ, दृष्टा अपने आप में शांत, बिल्कुल निर्गुण तत्व है। लेकिन आरंभिक साधना में उन्होंने कई साधनाएं बताई, तो उसमें भी बताया वीतराग विषयम व चित्तम वा, अथवा एक साधना यह भी है कि जिनका राग समाप्त हो गया है ऐसे संत पुरुष का ध्यान करने से मन एकाग्र होता है। कई साधन बताए, एक ये भी साधन बताया, ये सगुण उपासना हुई। तो ये सगुण उपासना थोड़ी दूर के लिए है। कोई वैराग्यवान पुरुष का सद्गुरु का ध्यान करे और वही ध्यान में जीवन बितावे तो भटक गया। वो तो चंचल चित्त को स्थिर करने के लिए आरंभिक साधना है। सद्गुरु का शरीर मेरा स्वरूप होगा, मेरा स्वरूप तो मेरा ही स्वरूप होगा। साहेब साहेब सब कहे मोह यदेशा, और साहेब से परिचय नहीं बैठोगे कहीं ठोर। सभी लोग साहेब स्वामी परमात्मा ब्रह्म अल्लाह खुदा घाट कहते हैं। कबीर साहब कहते हैं भाई साहेब से परमात्मा से परिचय तो तुम्हें है नहीं, तो कहाँ बैठोगे। यहाँ बैठने का मतलब स्थित होना। कहाँ स्थित होगे, परमात्मा परमात्मा कहते हो, कल्पना करोगे एक लोक में परमात्मा है, वो कल्पना है। हमारे चारों तरफ परमात्मा व्याप्त, ये भी कल्पना है। सारी कल्पना छूट जाने पर स्वयं शेष रह जाना, ये सच्ची स्थित है। स्वरूप स्थित, अपने रूप में, अपने पदार्थ में, अपनी सत्ता में ठहरना, ये असली दशा है, यही निर्गुण तत्व है। लेकिन इस तक पहुंचने के लिए सगुण उपासना भी पहले ठीक है। और इस तक पहुंच गया, पहुंच जाने के बाद भी जब व्यवहार में है तब वह सोचता है ये सब परमात्मा है। परात्मा परमात्मा कहीं अलग है। जिनको हम देखते हैं उनको परमात्मा नहीं मानते हैं, और जिनको परमात्मा मानते हैं उनसे कभी मुलाकातें नहीं है। ये परमात्मा ज्ञान की पोल पट्टी है लोगों की। जो सामने उनको हम धोखा देते हैं, घंटा घंटा पूजा करते हैं और दुकान पर बैठते हैं तो परमात्मा को धोखा देते हैं। दफ्तर में बैठते हैं तो बिना घूस के काम नहीं करते हैं। घूस किससे लेते हैं, परमात्मा से। लोग कहते हैं ये आदमी परमात्मा है। परमात्मा या तो पत्थर की पिंडी है और या तो शून्य में तैरता है। ये हमारी बुद्धि को लकवा है। पत्थर की पिंडी परमात्मा नहीं है। शून्य में कोई निराकार निर्गुण व्याप्त है,
वो भी बकवास है। परमात्मा तो ये जो सामने हैं सब बोल डोल रहे हैं, ये दृष्टि आ जाए तो अपने मन में कोई पाप रह जाएगा क्या? परमात्मा के हम ईर्ष्या करेंगे, परमात्मा को धोखा देंगे? प्राण मात्र परमात्मा खुले नयन हंसी हंसी पहचानो सुंदर रूप निहारो। सारा सौंदर्य का केंद्र बिंदु कौन है? आत्मा। सब में मैं उसी आत्मा को देख रहा हूँ। खुले नयन हंसी हंस पहचानो सुंदर रूप निहारो। शब्द निरंतर से मन लागा मलिन वासना त्यागी। ज्ञान के शब्दों में मन लग गया और मलिन वासना का त्याग हो गया। शब्द निरंतर से मन लागा, विहंगम मार्गावलंबी कहते हैं, ये शब्द वह है जो ब्रह्मरंध्र में ओ चल रहा है, हमारे तालमूल में, सिर में। शिशुओं का तालमूल बहुत कोमल होता है, लप लप करता है, उंगली रखो लप लप करता है, उसमें एक छेद की कल्पना है, वो ब्रह्मरंध्र है और वहाँ अखंड आवाज ऐसा हो रहा है और पूरे विश्व में हो रहा है। ऐसी भावना करके विहंगम मार्गावलंबी आ की उपासना करते हैं और जब जपते भी तो जपते हैं। कुछ लोग रा 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 जपते हैं, रामा नहीं कहते हैं। विचित्र विचित्र पद्धतियाँ। तो आ आ जो ध्वनि हो रही है उसकी कल्पना कर ली जाती है, उसी में मन लग गया। ऐसे लोग हम लोगों से पूछते हैं, देखो साहेब ने कहा है शब्द निरंतर से मन लगा, जब निरंतर उसी आ आ में लग जाए मन, बड़ा मुश्किल है। कबीर साहब को निर्विवाद बनाना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि कबीर इतने लोकप्रिय हैं कि अपने अपने ढंग से उनका अर्थ करेंगे। जो बहुत लोकप्रिय हो जाता है वो निर्विवाद नहीं रह जाता है, विवाद का केंद्र बन जाता है, क्योंकि उसकी वाणियों से अपने अपने ढंग से अर्थ निकाल करके पंथ चलाना रहता है। कैसा मोहक व्यक्तित्व है कबीर साहब का, इतना खंडन करने वाला, नाम ले लेकर के फटकारने वाला, कहीं एक जगह न बधने वाला। जो परंपरा चल रही थी उस परंपरा में विद्रोह की आग लगा देने वाला और फिर इतना प्रिय सबका, अद्भुत है। ये कबीर साहब की विशेषता है। ऐसी विशेषता तो कहीं दिखाई नहीं देती है। बौद्धों जैनों के भजन गीत सनातन धर्मियों में कदापि गाए नहीं जा सकते और सनातन धर्मियों के गीत बौद्धों जैनों के मंदिरों में नहीं गाए जा सकते, लेकिन कबीर के गीत बौद्धों में, जैनों में, सनातन धर्मियों में, सूफियों में। अभी परसों पाकिस्तान से फ़ोन आया था मेरे पास, कुशल मंगल सिंध से पूछा था, उनका आया कुशल मंगल, पूछा कहे साहब बहुत बढ़िया है। मैंने कहा कोई उपद्रव? कहे कोई उपद्रव नहीं है, बहुत शांति है। वास्तव में यहाँ जब गड़बड़ी होती तो वहाँ गड़बड़ी होती है, यहाँ जब किसी मस्जिद को छेड़ते हैं तो वहाँ वो लोग मंदिर को तोड़ने लग जाते हैं और हिंदुओं को सताने लग जाते हैं। प्रतिक्रिया क्रिया में होती है। वो कहते हैं कि साहब भारत वाले हिंदुत्व हिंदुत्व कह करके मुसलमानों को परेशान न करें, तो यहाँ कोई हमें परेशान करने वाला नहीं, सब शांति से अपना काम करते हैं। ये जो सांप्रदायिकता का विष बोने वाले हैं, ये हिंदू मुसलमान नहीं हैं, एक गद्दी के लोलुपी है। प्रभुत्व की चेष्टा
गद्दी की चेष्टा इतना पाप है कि आदमी को अंधा बना देता है। धर्म का सदैव दुरुपयोग इन रजवाड़ों ने किया, मंत्रियों ने किया, राजनेताओं ने किया, और धर्म को घसीटने से धर्म विकृत होता है। राम का, बुद्ध का, कबीर का नाम लेकर के अगर राजनेता लोग राजनीति करेंगे तो राम, बुद्ध, कबीर के चेहरे को ये खराब करेंगे। राम का चेहरा खराब किया गया है करीब 200 वर्षों से, जो एक शीलवान के रूप में राम थे उनको विकृत कर दिया गया है। बुद्ध का चेहरा खराब किया गया है राजनीति में घसीट करके। कबीर के लिए प्रयास कोई कोई शुरू कर रहा है, कबीर का पर्दा लगा करके राजनीति करने की चेष्टा अभी लाइट में नहीं आई है, न आवे तो कुशल है। किसी महापुरुष को राजनीति में घसीटा जाएगा, उनका पर्दा लगाया जाएगा तो उनका चेहरा खराब किया जाएगा। राजनेता, राजा, महाराजा, ये सदैव धर्म का दुरुपयोग किए हैं। हिंदू, मुसलमान, ईसाई, यहूदी कभी नहीं लड़े, ईसाई जनता कभी नहीं लड़ी है। जो ईसाइयत के पक्षधर थे, अपने को महंत मानते थे, उन्होंने हत्याएं करवाई हैं। जो ईसा को ईश्वर पुत्र न माने उनकी सामूहिक हत्याएं हुई हैं मध्य युग में। ये सब पुरोहित लोगों की लीला है, वो भी एक राजनेता। सामान्य आदमी ये सब कभी नहीं करता। जब हिंदू मुस्लिम का दंगा होता है और हिंदू अल्पसंख्यक हैं, वहाँ मुसलमान रक्षा करते हैं, और मुसलमान अल्पसंख्यक हैं तो हिंदू रक्षा करते हैं। भागलपुर के पास जो हुआ था, मुसलमानों के बच्चों को एक पंडित जी ने अपने घर में सुरक्षित रखा था। जब वो राजनेता लोग आए, तथाकथित हिंदू, कहे पंडित जी आपके घर में मुसलमानों के बच्चे सुनता हूँ आए। कहे नहीं, बिल्कुल नहीं, भला मैं कर्मकांडी ब्राह्मण मुसलमान को घर में कैसे प्रवेश करने दूंगा, आपको विश्वास न हो तो तलाशी ले लीजिए, ये भी कह दिया। तो सब चुपचाप चले गए अपने घर में। उन्होंने खिलाया पिलाया, बच्चों को रखा, जब गर्दा गुब्बार ख़त्म हुआ तो उनके घर भेजा। यहीं गोंडा जिला में एक कस्बा में दंगा उठा तो हिंदुओं के तमाम युवकों और बच्चों को एक मुस्लिम ने अपने बाड़े में कर लिया। कर्म का तो कसाई है, भैंसा ऐसा कटवाता है उसका काम है, लेकिन आदमियों के लिए बड़ा हमदर्द है, बड़ा समतावादी है। तो हिंदू मुसलमान या ईसाई यहूदी, सामान्य जनता कभी नहीं लड़ती, ये राजनेता लड़वाते हैं। इसलिए राजनेताओं से सावधान रहना। तो शब्द निरंतर से मन लागा मलिन वासना त्यागी। मलिन वासना त्यागी महत्वपूर्ण बात है, ध्यान दीजिए। मलिन वासना का त्याग हो गया, निर्मल वासना। वासना संस्कार, संस्कार तो रहते हैं सब समय, लेकिन निर्मल है। जैसे आपका निर्मल मन है कोई तकलीफ नहीं है, मैला मन है तो तकलीफ है, बस उसको निर्मल कर देना है। मलिन वासना त्यागी, उठत बैठत कबहु न छूटे ऐसी तारी लागी। ऐसा ध्यान लगा कि उठते बैठते कहीं छूट नहीं रहा। इसी सिलसिले में मुझे और याद आया, कश्मीर में एक बार दंगा हुआ, हमारे साधु भी कुछ गए थे। तो उस समय एक साधु तो मुझे बताने लगा कि साहब अब तो मेरी जान गई। मंदिर में था, कांपने लगा, जा करके एक तरफ घुस गया, तो लेकिन तीन मुस्लिम लड़कियां कुरान लेकर के आईं और मंदिर के सामने थोड़ी थोड़ी दूर पर बैठ गई और कुरान का पाठ करने लगी। थोड़ी थोड़ी दूर पर इसलिए बैठी कि जरा घेर लें,
फिर आतंकवादी आए तो लड़कियां हैं और कुरान पाठ कर रही हैं, तो हिम्मत नहीं हुई मंदिर में घुसने की। और वो इसीलिए आई कि ये मंदिर सुरक्षित रहे, इसमें जो लोग हैं सुरक्षित रहे। दया हम सब में है। ये जो पद के भूखे हैं यही सब पाप करते हैं। ये मंदिरों में पद के भूखे पाप करते हैं, मानती हो गुरुवाई के लिए चालबाजी, राजनीति, हत्या तक करते हैं। कहीं भी लोभ बढ़ेगा, पाप का बाप कौन है? लोभ। और जो ज्ञान की बात है, भक्त की बात है, वो तो सभी संप्रदायों में अहिंसा, दया, प्रेम, रहम, यही सब बताया गया है। उठत बैठत कबहु न छूटे, ऐसी तारी लागी, ऐसा ध्यान लगा कि उठते बैठते नहीं छूट रहा। ये अनुराग, कामी का अनुराग सब समय कामिनी में और कामिनी का कामी में। लोभी का अनुराग पैसे में, हरदम वो पैसा ही जपता है। मोही का अनुराग पुत्र इत्यादि में। जिसके लिए अनुराग रहता है सिखाना नहीं पड़ता है। इसी प्रकार जिसको जगत का कच्चा चिट्ठा समझ में आ जाएगा, ये धोखे की पट्टी शरीर और संबंध सारा टूटा फूटा आजकल में खो जाने वाला, इसकी सही सही जांच जिसने कर ली और इसकी धारणा स्थिर हो गई, तो फिर उठते बैठते कभी भी उसका अनुराग छूटेगा नहीं। यथार्थ बोध की स्थित हो जाने पर कहाँ भटकना है? कौन सी वस्तु रह गई है पाने की? जितना दिखाई देता है चमक दमक से भरा, मिट्टी, पानी, आग, हवा के कण के जोड़ के अलावा कुछ नहीं। सब मिट्टी, पानी, आग, हवा है। मिट्टी का धू, बालू, रेत सब है और कुछ नहीं। जो कुछ हम देखते हैं 100 वर्ष के बाद ये सब क्या होगा? 200 वर्ष के बाद क्या होगा? 500 वर्ष के बाद क्या होगा? श्रावस्ती जाके देख लो, अयोध्या से उत्तर, श्रावस्ती तो अब जिला हो गया है। श्रावस्ती में बौद्धों का अवशेष आज से 1400 वर्ष पूर्व ह्वेनसांग आया, तब भी उसने उसको अवशेष ही देखा है। आज भी वहाँ ईटा पत्थर पड़ा है, दीवारें नींव हैं, सरकार के संरक्षण में है, सब कुछ धूर माटी है। ये धूर माटी में मन जाएगा भला उसका? उठत बैठत कबहु न छूटे, ऐसी तारी लागी, सबद निरंतर सीमन लागा, मलिन वासना त्यागी। उठत बैठत कबहु न छूटे, ऐसी तारी लागी, कहत कबीर सहज हरानी, सो प्रगट कर गाई। साहब कहते हैं ये सहज रहनी को मैंने खुलासा करके कहा है। सहज रहनी मतलब है कि खाओ पियो, उठो बैठो, काम धंधा करो और अपने मन को सबसे सब समय निर्मोह रखो, ये सहज रहनी है। सुख दुख से कोई परे, परम पद सो पद है सुखदाई। दुनिया के सुख और दुख दोनों से परे परम पद है, वही सच्चा सुख है। पदार्थ जनित सुख मानोगे तो दुख होगा। पदार्थ जनित सुख, पदार्थों से उत्पन्न सुख, कोई प्राणी मिल जाए, कोई पदार्थ मिल जाए, पद मिल जाए, इसमें सुख मानोगे तो दुख पाओगे। अब आत्मजनित सुख नित्य सुख है। संतो सहज समाधि भली, सहज समाधि आत्मस्थित, अखंड अनुराग, आत्मज्ञान। गोस्वामी जी ने भी कहा, अनुराग जे निज रूप सो जगते विलक्षण देखिए, संतोषम शीतल सदा दम देहवंत न पेखिए, निर्मल निरामय एक रसते हर्ष शोक न व्यापई, त्रैलोक के पावन सो सदा जाकी दशा ऐसी भई।
जिसे निज रूप से अनुराग है, स्वरूप स्थित का अनुराग है, आत्मानंद की मस्ती है, जगते विलक्षण देखिए, वो जगत से विलक्षण रहता है, संतोष सम शीतल सदा, वो संतोषी होता है, सम होता है, उद्वेगहीन, शीतल, दम इंद्रियों का संयमी, नहीं देहवंत न पेखिए, वो देहाभिमानी नहीं होता, निर्मल निरामय एक रस्ते हर शोक न व्यापई, निर्मल होता है, निरोग मन का होता है, एक समान होता है, उसे हर शोक व्याप्ते नहीं है, त्रैलोक के पावन सो सदा जाकी दशा ऐसी भई, ऐसी दशा जिसकी हो गई वो त्रैलोक के पावन है, कपिल ऐसे थे, बुद्ध ऐसे थे, महावीर ऐसे थे, सनत कुमार ऐसे थे, और अनेक ऋषि मुनि ज्ञानी ऐसे थे, अनेक पीर, अनेक सूफी संत ऐसे थे, आज भी हैं, ईसाइयों में भी अच्छे अच्छे संत हो गए हैं, सब में हैं, पूरी दुनिया में, ये मान लेना कि और भारतवर्ष धर्म देश है और कहीं नहीं, गलत है, हाँ इसकी अपनी विशेषता है, लेकिन फिर भी पूरी दुनिया में धार्मिक लोग, संत, विवेकी, विचारवान हर जगह है, सत्य हर जगह है, साथ समाज में जियो, जहाँ जिनकी ड्यूटी अपना काम करो, लेकिन काम धंधा में सारा समय खो न दो, अलग बैठ करके ध्यान चिंतन अध्ययन मनन करो, और सबका फल यह है कि अन्न में, प्राण में, मनोमय, विज्ञान में, आनंदमय, इन सारे कोशों से, सारे आवरणों से अपने को अलग कर लो, मैं देह नहीं हूँ, प्राण नहीं हूँ, मन नहीं हूँ, बुद्धि नहीं हूँ, अहम कृत जो आनंद की भावना आती है उपलब्धियों में, वो मैं नहीं हूँ, मैं शुद्ध चेतन हूँ, इस भाव में जियो।